नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वट सावित्री व्रत और पूजन मास्क धर्म में कैसे करना चाहिए, करें या ना करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। वट सावित्री व्रत महिलाओं के जीवन का पवित्र व्रत है। वट सावित्री व्रत अखंड स्वाज्ञा और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। आज हम बात करेंगे महावारी में इस प्रकार करें वट वृक्ष की पूजा और सुने इस प्रकार कथा, आपको आपके व्रत का पूर्ण फल मिलेगा और आपका व्रत मान्य भी होगा और आपका व्रत आपको आपके व्रत का फल भी मिलेगा। कुछ महिलाएँ ऐसी भी होती हैं जो कि ऐसा सोचती हैं कि वट सावित्री के दिन वट सावित्री व्रत के शुभ अवसर पर अगर उनको मास्क धर्म आ जाए तो ये अच्छा नहीं है, जबकि महिलाओं को ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। महिलाओं के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होने लगती हैं, जबकि महिलाओं को ऐसा तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि पीरियड आना आम बात है, ये एक सामान्य सी बात है। हर महिला को समय समय पर पीरियड आता है और सृष्टि में मानव की उत्पत्ति का आधार भी यही है। तो आइए जानते हैं कि पीरियड के दिनों में वट सावित्री का व्रत हम कैसे संपन्न करें। अगर आप इस बार पहली बार वट सावित्री का व्रत शुरू करना है तो आपको पीरियड आ गया है तो आप व्रत को शुरू ना करें, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में आपको व्रत की शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए। वहीं अगर आप पहले से ही वट सावित्री व्रत करती आ रही हैं और आपको अचानक पीरियड आ गया है तो उस दिन आप बाल धोकर स्नान कर लें और पाठ पूजा की कोई भी सामग्री को ना छूएं। वहीं आप अपने बदले में किसी और महिला से पूजा करवा सकती हैं। वट सावित्री की कथा भी आप कहीं दूर बैठकर सुन सकती हैं। वहीं आप इस दिन अपने पति के पैरों को भी धो सकती हैं। जो जल पूजा करने के बाद बचता है उसे पति के पैर धोए जाते हैं। वहीं आप बाकी सारी विधि कर सकती हैं। वहीं आप अपने पति को रक्षा सूत्र भी बांध सकती हैं, अपने पति को टीका भी लगा सकती हैं, लेकिन इस दौरान आप भगवान के पूजा पाठ का कोई भी सामान भूल कर भी ना छूएं तथा पूजा पाठ से दूरी बना के रखें। अगर आपके पीरियड का पांचवा दिन है तो आप माता सावित्री की पूजा कर सकती हैं, गौरी माता की पूजा भी कर सकती हैं, लेकिन वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का वास होता है और इन तीनों देवों को जब तक आप पूरी तरह से शुद्ध ना हो जाएं आपको उन्हें नहीं छूना चाहिए। इसलिए इस दौरान आप पूजा ना करें और पूजन सामग्री को छूने से तथा पूजा करने से बचें। अगर आप पूरी तरह शुद्ध हैं, सातवां आठवां दिन हो चुका है तो आप देव पूजा निश्चिंत होकर कर सकती हैं। इस दिन आप अपनी पूजा किसी और महिला से करवाकर आप संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकती हैं। वही आपको व्रत करना है और इस व्रत से संबंधित सारे नियमों का पालन भी आपने करना है। केवल आपको पूजा का कोई भी सामान नहीं छूना है और पूजा नहीं करनी है और साथ ही साथ आपको व्रत कथा भी सुननी है। अगले दिन आप ब्राह्मणों को दान देकर समय भोजन ग्रहण करें, लेकिन समय भोजन ग्रहण करने से पहले आप अपने पति को भोजन कराएं, उसके बाद समय भोजन ग्रहण करें। इस तरह आप मास्क धर्म में भी अपने व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।